नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज़ और मैं आपके साथ सिमित दानी। बीते 4 साल की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में करीब 50 बड़े धार्मिक आयोजन हुए, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इस साल में यानी चुनावी साल के शुरुआत होते ही एक महीने में लगभग दर्जन भर से ज़्यादा धार्मिक आयोजन हो चुके हैं। अब सवाल ये उठता है कि कांग्रेस जो कि धर्म की राजनीति से इनकार करती है, उसे भी ऐसे आयोजनों से कोई परहेज नहीं। दरअसल यह बात सत्य है कि धार्मिक आयोजन लोगों को जीवन की सही दिशा बताते हैं, साथ ही साथ हमेशा से ही एक बहुत बड़ी संख्या में भीड़ जुटाने में भी सक्षम होते हैं और इसी भीड़ में राजनीतिक दलों को अपने वोटर भी नजर आते हैं। अगर पीछे नजर डालें और बात करें रायपुर में आयोजित पंडित प्रदीप मिश्रा सीहोर वाले के शिव पुराण आयोजन की, जिसमें सभी राजनीतिक दलों ने शिरकत की, मुख्यमंत्री बघेल भी पहुंचे थे। पंडित प्रदीप मिश्रा का आशीर्वाद लेने के पश्चात वे अपार जन सैलाब देखकर अपनी सरकार का बखान करने से भी नहीं चूके थे। गौठानों में आवारा पशुओं को संरक्षण देने से लेकर गौमूत्र गोबर की खरीदी का उन्होंने उल्लेख किया था। शिव पुराण के दूसरे ही दिन डॉक्टर रमन सिंह पहुंचे थे, जहां उन्होंने छत्तीसगढ़ के विकास की तरक्की की प्रार्थना की और साथ ही अप्रत्यक्ष रूप से सरकार पर हमला करते हुए विश्वास भी जताया कि शीघ्र ही छत्तीसगढ़ में जो समस्याएं हैं, जो अशांति है, वो दूर होगी। और अभी हाल ही में भागवत कथा में पहुंचे आबकारी मंत्री कवासी लखमा कथा के दौरान ताली बजाते हुए झूमते नजर आए और जब मंच पर आए, माइक पकड़ा, तो विशाल जनसमूह के सामने स्वयं को छत्तीसगढ़ सरकार का अपनी सरकार की तारीफों के पुल बांधने से नहीं रोक सके। बहरहाल चुनावी हलचल के पहले नेताओं का धर्मगुरुओं के शरण में जाना, उनके सभा में जाना, उनका आशीर्वाद लेना, उनके साथ फोटो खिंचवाना, यह सभी चुनावी पैतरे अभी आपको फिर से देखने को मिलेंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ के गुढ़ियारी का दही हांडी मैदान एक बार फिर से एक बहुत बड़े धार्मिक आयोजन का साक्षी बनने जा रहा है। आपको बता दें कि 16 जनवरी से रायपुर के गुढ़ियारी के दही हांडी मैदान में रामकथा वाचन का आयोजन किया जा रहा है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा कथा वाचन किया जाएगा, जो बागेश्वर धाम के नाम से प्रसिद्ध हैं। 16 से 25 जनवरी तक दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक राम कथा वाचन होगा और 20 और 21 जनवरी को पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का भव्य दरबार सजेगा, जिसमें सुबह 9 से 11 बजे तक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कथा वाचन समाप्त होने पर पंडाल खाली कर दिया जाएगा। इस बार लोगों के ठहरने और भोजन आदि की व्यवस्था नहीं की गई है। इस कथा वाचन में पास की व्यवस्था भी नहीं की गई है और पहले पाव की तर्ज पर बैठने की व्यवस्था की गई है, यानी जो पहले आएगा उसे बैठने की जगह मिलेगी। गुढ़ियारी के दही हांडी मैदान में करीब 60 से 70 हज़ार लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। आपको बता दें कि हाल ही में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ब्रिटेन भी गए थे, जहाँ उन्होंने ब्रिटिश सांसदों और वहाँ के भारतीय समुदाय के बीच रामकथा का वाचन भी किया था, प्रवचन भी दिया था। उनकी लोकप्रियता देश में ही नहीं विदेशों में भी फैली हुई है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को कई लोग हनुमान का अवतार भी मानते हैं और हजारों लोग उन्हें काफी श्रद्धा के साथ पूजते भी हैं। बागेश्वर धाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जन्म 4 जुलाई 1996 को गढ़ा छतरपुर मध्य प्रदेश में हुआ था। जो लोग इन्हें महाराज बागेश्वर धाम के नाम से जानते हैं और चमत्कारी महाराज के नाम से भी जानते हैं। वर्तमान समय में धीरेन्द्र कृष्ण महाराज बागेश्वर धाम मध्य प्रदेश में ही अपना दरबार लगाते हैं और लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं। बागेश्वर धाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पिता का नाम करपाल गर्ग तथा माता का नाम सरोज गर्ग है। उन्होंने सबसे पहले अपने दादा से शिक्षा प्राप्त की तथा इनके दादा का नाम भगवान दास गर्ग है। इन्होंने ही इन्हें रामायण कथा, भागवत गीता जैसे महान काव्य का अध्ययन भी कराया। अभी तक के लिए बस इतना ही, लेकिन आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं कि क्या धार्मिक आयोजनों में राजनीति करना उचित है। इस बारे में आपकी क्या राय है, कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके हमें जरूर बताएं। नमस्कार।